हेलो गाइस, मैं तुषार गावड़े। आज हम आए हैं पानसरे नर्सरी में। ये नर्सरी का लोकेशन है महाराष्ट्र में। इसकी नियरेस्ट सिटी है पुणे। यहाँ से 90 किलोमीटर पे है पुणे और 60 किलोमीटर पे है अहमदनगर। तो इस नर्सरी में आने का एम यही रहेगा कि आज हम जानेंगे कस्टर्ड एप्पल के बारे में, यानी महाराष्ट्र में उसे कहते हैं सीताफल। इसके बारे में जानने के लिए जो मार्गदर्शन करेंगे वो है नर्सरी के ओनर मिस्टर बाला साहेब पानसरे। या सर नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया। ओके सर, सर मैं हूँ तुषार गावड़े और आज हम जानेंगे कुछ कस्टर्ड एप्पल के बारे में, यानी उसका प्लांटेशन, फ्रॉम प्लांटेशन टू हार्वेस्टिंग तक। जी। हमारे फार्मर्स भाइयों को कुछ क्वेश्चन है, मतलब रिगार्डिंग वो जब प्लांटेशन स्टार्ट करते हैं उनको कुछ आइडिया नहीं देते हैं कुछ के लिए। ये ड्राई फ्रूट रहता है तो डिफरेंट पर्पज़ के लिए ये प्लांटेशन किया जाता है, तो उनके कुछ क्वेश्चन है। जी 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 सर, ये कस्टर्ड एप्पल प्लांटेशन के लिए सॉइल और क्लाइमेट कैसा चाहिए? जी, इसको सॉइल जो है ना वो हल्का सॉइल चाहिए जिसमें पानी नहीं रुकता है, और क्लाइमेट बोले तो जहाँ ये मतलब कम बारिश में आने वाला चीज़ है, ताकि इसलिए इसको कम पानी वाला खेती या कम जहाँ पे बारिश होता है ऐसी सब लाइन सब जगह पे चलता है। थैंक यू। ओके सर, आपके पास टोटल कितनी वैरायटीज है और कौन सी वैरायटी है? हाँ, सीताफल में देखिए हमारे पास चार वैरायटीज है। इसमें बालानगर है, हैदराबाद सिलेक्शन है, गोल्डन है और अरकासान भी। तो सर इसमें पॉपुलर वैरायटी कौन सी है आपके पास जो मार्केट में हॉट प्रोडक्ट रहता है? जी, इसमें देखिए ये जो गोल्डन वैरायटी है ये ज़्यादा पॉपुलर हुई है अभी पिछले 8-10 सालों से। उसका रीज़न है कि उसका फ्रूट जो है उसका सेल्फ लाइफ करीबन 15 दिन का है, इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलर रही है। और इसके पीछे का और लॉजिक एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये 15 दिन का सेल्फ लाइफ होने के कारण इसको एक्सपोर्ट में अच्छा मार्केट मिला है, ताकि जो गल्फ कंट्रीज है वहाँ का डिस्टेंस यहाँ से समुद्र मार्ग से भेजे तो 6 दिन में फ्रूट वहाँ पहुँच जाता है, तो आगे 8-9 दिन उनको बेचने के लिए मिल जाते हैं, इसलिए अच्छा मार्केट मिला और अभी बन के रहेगा मार्केट। जी ओके, थैंक यू सर। तो सर ये पल्प प्रोसेसिंग होता है रोस्टेड एप्पल में, तो पल्प प्रोसेसिंग के लिए कौन सी वैरायटी बेटर रहती है? हाँ, पल्प प्रोसेसिंग करना है तो इसमें पहले मैं आपको बता दूं कि पल्प प्रोसेसिंग के लिए जिसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है वो लगाया जाना चाहिए। तो पल्प प्रोसेसिंग करना है तो बालानगर लगाइए, और मार्केट में बेचना है तो गोल्डन लगाइए। ये दोनों का डिफरेंट यूज है। ओके तो सर मान के चलिए एनएमके गोल्डन का प्लांटेशन करना है हमें, तो उसका फ्रूट वेट क्या रहेगा और फ्रूट साइज क्या रहेगा? गोल्डन में 300 ग्राम से लेके 600-700 ग्राम तक एक फल का वेट बनता है। इसका वेट साइज अच्छा है, इसका फ्रूट का कलर अच्छा है, इसलिए मार्केट में बहुत अच्छा चलता है। ओके, अगर हम प्लांटेशन करना चालू करें तो इसके लिए सर स्पेसिंग क्या रहेगी, स्टैंडर्ड स्पेसिंग? हाँ, सीताफल के बारे में स्पेसिंग 8x10 से लेके 10x14 तक रखी जाती है, मतलब फिट में है ये। 8x10 फिट से लेके कोई 8x12 रख सकता है, कोई 10x12 रख सकता है, 9x12 ऐसे 8x10 से लेके 10x14 तक बीच में कोई भी स्पेसिंग रख सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। तो अगर प्लांटेशन किया जाता है इस स्पेसिंग पे, तो मुझे ये जानना था कि जो पीट्स डिगिंग करेंगे फार्मर, तो उसका पीट साइज क्या रहेगा सर? पिट साइज जो है वो 2x2 फीट का पिट लेना चाहिए। उसमें जो मट्टी निकाली है पिट से, गड्ढे से जो मट्टी निकाली वही वापस नहीं भरनी चाहिए उसमें। तो कौन सी मट्टी भरनी है? जो फ्रेश सॉइल है जमीन में ऊपर का लेयर वो भरा जाए, या जो नदी का पोइटा बोला जाता है, नदी के बाजू में जो अच्छा सॉइल होता है वो सॉइल, और उसके साथ में एक गड्ढे के लिए 0.5 किलो नीम पाउडर, 200 ग्राम टोबैको पाउडर और 200 ग्राम सुपर फास्फेट, ये सब मिक्स करके उससे गड्ढा भर देना चाहिए। और गड्ढा भरने के बाद तुरंत नहीं लगाना चाहिए, गड्ढा भरने के बाद थोड़ा सा उसको एक पानी देना चाहिए और बाद में लगाना चाहिए। ओके, ग्रेट सर। तो आपके पास जो प्लांट्स है जो आप सेल करते हैं तो उसकी साइज़ क्या रहती है? वो करीबन 2-2.5 फीट का होता है, और 2-2.5 फीट का
प्लांट हाइट होता है, मतलब बैग छोड़ के। ओके तो सर हमें प्लांटेशन करना है, तो इसके लिए सुटेबल टाइम कौन सा रहेगा प्लांटेशन के लिए? हाँ, प्लांटेशन जून से लेके अक्टूबर नवंबर तक चलता है। वैसे पानी की सुविधा है तो जनवरी तक भी कर सकते हैं, जनवरी फरवरी तक। फरवरी के बाद में हम बोलते हैं वो जो फरवरी से लेके फरवरी अप्रैल मई, ये 3-4 महीने हीट ज़्यादा होती, इसलिए थोड़ा नहीं करे तो भी चलता जी। ओके थैंक यू सर। तो ये जो प्लांटेशन करने के बाद उसका फुल ग्रोन हाइट क्या रहता है सीताफल का सर? सीताफल को ट्रिमिंग करने का प्रोसीजर होता है, मतलब हर साल उसका जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस है उसको काटा जाता है, फिर नई ब्रांचेस आती है उससे ग्रो किया जाता है। तो ये सब करने के बाद 10 फीट के करीबन हाइट रखा जाता है सीताफल का जी। ओके तो सर आपके पास ये एक साल का सेलेबल साइज रहता है 2 से 2.5 फुट तक, राइट? तो अगर ये प्लांटेशन हम अभी करते हैं तो कितने साल बाद फ्रूटिंग चालू होता है? हाँ, ये प्लांट लगाने के बाद फ्रूटिंग जो है ना वो तुरंत आ जाएगा, लेकिन हम जैसे देखिए अभी ये ग्राफ्ट है, इसको अभी ये 3 से 4 महीने का ग्राफ्ट है, फिर भी इसको अभी फ्लावर आ गया, मतलब ये फ्रूट ले सकता है। लेकिन हम सजेस्ट करते हैं कि कम से कम 1 साल के लिए आप इसके फ्रूट, ये ऐसा छोटा फ्रूट है ना, इतने टाइम में ही इसको निकाल डालो। ओके और दूसरे साल से, मतलब 2 साल के बाद जो भी फ्रूट है वो आप ले सकते हैं। ओके मतलब ये फ्लावरिंग रहता है वो रिमूव करना पड़ता है। रिमूव करना पड़ता है। अभी देखिए यहाँ पे है, हाँ ये देखिए यहाँ पे भी फ्रूट है। तो ये फ्रूट आप यदि लेते हैं तो प्लांट के ग्रोथ पे असर पड़ता है। ओके इसलिए 1 साल कम से कम फ्रूट ना ले, दूसरे साल से फ्रूट ले सकते हैं, ऐसा है। और प्लांट आप देखेंगे तो पूरा हेल्दी प्लांट है। तो ये सर हार्वेस्टिंग पीरियड कौन सा होता है? हाँ, सीताफल में हार्वेस्टिंग का एक मतलब जैसे अक्टूबर से लेके नवंबर दिसंबर तक फ्रूट हार्वेस्टिंग होता है। ओके अगर फ्रूट हार्वेस्ट करने हैं तो उसका मैच्योरिटी टाइम कौन सा रहेगा? सीताफल में बहुत नेचुरल है कि कच्चा जो फल है वो ग्रीन कलर का होता है, पकने के बाद उसको थोड़ा मतलब गोल्डन कलर, और उसका जो आँख बोला जाता है उसका जो एक एक सीड का सर्कल होता है तो वो ऐसा थोड़ा खुलने लगता है, तो आराम से प्रैक्टिस से मालूम पड़ जाता है। ओके थैंक यू सर। तो ये प्लांटेशन करने के बाद कोई पेस्ट इन्फेस्टेशन या फंगल इन्फेस्टेशन या डिसीज इन्फेस्टेशन जो भी रहता है सर, इसके लिए मेजर प्रिकॉशन क्या रहते हैं, मतलब इसके लिए पहले से ही वो प्री ट्रीटमेंट दे झाड़ को? सीताफल में वैसे ज़्यादा कुछ ये नहीं रहते पेस्ट, एक ही है जो मिलीबग करके होता है। तो मिलीबग के लिए अच्छा केयर क्या किया जाता है कि जब प्लांट मतलब प्लांट को नीचे से 1 से 1.5 फीट पे एक तो ग्रीस जैसा चीज़ लगाया जाए या टीन का जो पत्रा होता है वो लगाया जाए, ताकि मिलीबग का साइकिल कैसे होता है, वो ज़मीन में रहता है धूप के टाइम में, और जैसे ही ये अक्टूबर नवंबर के टाइम में ये पेड़ पे चढ़ के फल पे बैठ जाता है, तो फिर दिखता है कि फल पे वो सफ़ेद सफ़ेद कलर का कीड़ा है जिसको मिलीबग कहा जाता है। यदि आप वो टीन का डब्बा लगाएंगे या ग्रीस लगाएंगे तो ज़मीन से ऊपर नहीं जा पाएगा, तो वो फल पे असर नहीं करेगा। ओके थैंक यू सर। ये हो गया सर पूरा हार्वेस्टिंग प्लांटेशन। तो प्लांटेशन में इसको फर्टिलाइजिंग कैसे कर सकते हैं सर? फर्टिलाइज़र कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, उसका पीरियड क्या रहेगा? हाँ, इसको शुरुआत में जब प्लांट का ग्रोथ लेना है तब इसका जैसे 3919 है, 0-52-34 करके है, ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। बाद में जब आपको फ्रूट लेना है तो उस टाइम में आप ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र देने का मैं सलाह नहीं दूंगा, तो आप उसको साल में 2 बार अच्छा कंपोस्टेड मैन्योर है, उसके साथ में थोड़ा सा नीम केक है, टोबैको पाउडर है, ये सब दे तो अच्छा रहेगा। और जब फ्रूट सेटिंग होता है उस टाइम में जो गोमूत्र होता है उसका स्प्रे ले तो और अच्छा होता है। ओके थैंक यू सर। ये जो ग्राफ्ट है आपके पास, तो वो ग्राफ्ट आप खुद प्रैक्टिसेस करते हैं आपके नर्सरी में या आप बाहर से वेंडर्स ये करते? जी नहीं, हमारा कैसे है, ये इधर टोटल 30 एकड़ का प्रोडक्शन है, तो हम ज़्यादातर जो फ्रूट प्लांट है उसका हम खुद ही बनवाते हैं,
उसको हम मतलब कहीं बनवा के लेना या ट्रेडिंग करना क्या सलाह नहीं देते या खुद भी नहीं करते, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा रिस्क होता है कि ट्रेडिंग करने में कोई वैरायटी कोई गलत दे तो सामने वाले फार्मर का नुकसान हो सकता है। ओके, आई होप मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, सर ने जो इन्फॉर्मेशन दी है, वो पूरे फार्मर्स भाइयों को अच्छी तरह से समझ आ सके। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।